बच्चों आइए, मैंने आप लोगों को कल त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक बताया था। आज हम लोग त्रिकोणमिति में फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास बुक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिया है क्वेश्चन में कि यदि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है, ध्यान से सुन लीजिए भाई, कोण 20 समकोण है, समकोण हो गया, और दिया है कि ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को प्रश्न में क्या निकालना है, क्या साइन ए कोस ए का मान और साइन सी कोस सी का मान। साइन ए दैट मीन्स इस एंगल की बात कर रहा है और साइन सी दैट मीन्स इस एंगल की बात कर रहा है। कल मैंने कहा था आप लोगों को कि कर्ण के साथ जो भुजा लगकर कोण बनाएगा वो भुजा आधार कहलाएगा और जो भुजा छूट जाएगा वो भुजा लंब कहलाएगा। अर्थात कोण सी के लिए लंब ये भी है और कोण ए के लिए लंब बी सी है। आप जानते हैं कर्ण के समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये क्या हो गया भाई, कर्ण। और कर्ण कभी भी समकोण त्रिभुज में बदलता नहीं है क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, दिया है आपको क्या दिया भाई, ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। अब आते हैं निकालना हमारा क्या है, हमें पता नहीं है कर्ण, तो कर्ण नहीं पता है तो कर्ण जानना है। तो हम लोगों ने 6.8 थ्योरम कक्षा में पढ़ा और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, या आपने अष्टम वर्ग में भी पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब अभी कौन लंब है कौन आधार है ये फाइनल नहीं है, तो हम लोग किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान लेते हैं। बाद में जिस समय जिस कोण के बारे में चर्चा करेगा उस कोण के अनुसार से हम लोग लंब और कर्ण आधार निश्चित करेंगे। अभी तो कर्ण ऐसी स्थिति में आपके पास क्या हो गया कि कर्ण बराबर हो गया, ऐसे भी कहा मैंने सूत्र लिखाया था कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया। तो हम अभी मान लेते हैं कि आपका 24 लंब है और 7 आधार है। आप कुछ भी करेंगे, 7 को भी यदि आप लंब मान लेंगे और 24 को भी कर्ण आधार मान लेंगे तो पर भी आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं। आप कुछ भी मान लेंगे, कर्ण के लिए कर्ण निकालना रहेगा तो लंब और आधार का मान बदल सकता है उस स्थिति में जब कोण निश्चित नहीं हो। अब आते हैं 24 स्क्वायर है
तो 24 स्क्वायर है तो ऐसी स्थिति में भाई 24 24 से कितना होता है 5 से 76 और 7 सत्य कितना होता है 49। अब दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 625। बिल्कुल सही। और 625 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 5। आपने पूछा होगा सोचा होगा कि कल सर ने जब बताया था बेस में तो उन्होंने बताया था कि इसमें के लगाना है। भाई के कहाँ लगाना है, जहां सीएम सेंटीमीटर या मीटर इस तरह का मात्रक नहीं लगा हो। जब मात्रक नहीं लगा रहता अनुपात में रहता है तो हम लोग उसके साथ के नियतांक जोड़ते हैं। लेकिन यदि आपके साथ मात्रक लगा हुआ हो, यहाँ सेंटीमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं। अब हम लोगों को प्रश्न में क्या दिया, हम लोगों को लिखना क्या है, साइन की ये कोस ये का मान। चलिए मैं इसके लिए आप लोगों को आता हूं। साइन ये चित्र इस प्रकार है आपके पास। पुनः एक बार चित्र हम लोग बनाते हैं, ए बी सी। तो बच्चों यहां पर कौन ए की बात कर रहा, तो मैं बताया था कौन ये बी और कर्ण एसी से मिलकर बन रहा। अब ये बी है कितना 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। अब आपको सूत्र हम लोग मैंने कल आप लोगों को पहले ही पढ़ाया साइन थीटा का सूत्र, अर्थात साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण अर्थात लंब कितना है आपके पास। अब चूंकि इस कोण को लगाकर बनाया गया ये भी और एसी कर्ण के साथ ये भी के साथ ये कोण बना है, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो लंब कितना हो गया आपका भाई 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर होगा 7/25। और कोसी बराबर क्या होता है, बिल्कुल सही, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहां पर कितना आपको इस चित्र में आधार कितना दिख रहा है, आधार दिख रहा है 24 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 24/25। इसी प्रकार आप जब इस कोण को छोड़ देंगे और अब इस कोण पे आएंगे तो साइन ए साइन सी और आपका कोस सी का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, साइन सी बराबर सूत्र का सूत्र वही रहेगा, सूत्र चेंज बिल्कुल नहीं होगा, सूत्र वही रहेगा। सूत्र है फिर आपका लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण यहां बदल गया, कोण क्या हो गया सी आ गया। तो सी आ गया भाई, तो सी जो आधार था वो आधार अब यहां हो गया और लंब क्या हो गया बिल्कुल यहां हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब आपके पास क्या उपाय है, लंब हो गया आपका 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर, बराबर आंसर कितना हो जाएगा 24/25 और कोस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। आप वैल्यू पुट करेंगे कर्ण का वैल्यू कितना आया था, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर और आधार का वैल्यू कितना आपके पास है 7 सेंटीमीटर, तो ऐसी स्थिति में आपका हो जाएगा 7/25। आप इसको एक लाइन और जोड़, आप लंब बटे लिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में साइन ये के लिए लंब था बीसी बटे एसी, आप यहां बीसी बटे एसी भी लिख सकते हैं या फिर आप टाइट भी लिख सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार बनाते हैं। मैं समझता हूं आप लोगों को यह बना हुआ बिल्कुल सामान्य रूप से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप अपने स्कूल के ग्रुप में फिर इसे डाल सकते हैं कि फलाने लाइन में हमें समझ में नहीं आया। वैसे यदि आपको
यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, और सबसे पहले चैनल में हर प्रश्न हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपने इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को लगातार है।